नमस्कार साथियों, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक रासलीला, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं वृंदावन से आए रास नर्तक। ये नर्तक नित्य रास प्रस्तुत कर रहे हैं। नित्य रास कथक नृत्य के प्राचीन स्वरूप को दर्शाता है। आइए देखें नित्य रास। आज बिरज में हो रही रे रसिया, I'm
जय जय श्री राधे। स्वामी जी आज तो इतना आनंद आया, मैंने तो ऐसी फूल की होली आज तक नहीं देखी। इतना सुहावना लग रहा था ये दृश्य देखने से, बस ऐसा लग रहा था कि जैसे ये फूल की होली चलती चली जाए। अरे इसमें मेरे ख्याल में फूल आपने गुलाब के और गेंदे के फूल सब फूलों को पत्तियों को तोड़ा और मिला जुला के, तो ये फूल की होली कैसे आपके, कैसे आपने इसको ऐसे बनाया? हर प्रश्न के पीछे बड़ा सुंदर भाव होता है और इसके पीछे भी भाव है। ऐसे होली का अर्थ ये है, आपने कभी सुना होगा कि हमारे ब्रज में भगवान कृष्ण वहाँ पर गए थे बरसाने में, तो बरसाने की गोपियाँ थी और नंदगाम के ग्वालवाल थे, उनके साथ में होली खेली थी। तो एक दूसरे से मिलने का जी नाम होली, और एक दूसरे शब्द का अर्थ करके होली, क्या अरे जो कुछ हुआ सो हुआ, अब तो प्यार से मिल लो कम से कम, एक ये। दूसरे क्या है कि गुलाब और गेंदा की पंखुड़ियां आपने देखी, इसको ये समझना चाहिए कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भगवान कृष्ण की लीलाओं में भाव प्रधान होता है और उस भाव में एक रहस्य छुपा होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये लाल लाल एक शिक्षा होती है, ये लाल लाल पंखुड़ियां हैं गुलाब की, इनको मानना चाहिए कि भगवान कृष्ण है। तो पीला रंग है राधा जी का, पीला रंग है राधा जी का, और भगवान कृष्ण को पीला रंग बहुत प्रिय है। हमको कृष्ण को प्रसन्न करना है, इसलिए पीला रंग इसमें उपयोग में लिया जाता है। ऐसी होली होनी चाहिए, यही एक आपस में परस्पर में हम सभी को मिलकर के भाईचारे से रहना चाहिए, इसी प्रकार का आपस में प्यार होना चाहिए, मेल जोल होना चाहिए।